हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ल्यूलेकोनाजोल क्रीम ट्यूब के बारे में 1%। तो फ्रेंड्स, ल्यूलेकोनाजोल जो ट्यूब है, ये आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको ये किसी भी मेडिकल शॉप में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपके स्किन का जो भी इन्फेक्शन होता है, इसके लिए ये यूज़ होती है। आपकी स्किन में जिस भी जगह पर इन्फेक्शन हो रखा है, वहाँ पर जलन, खुजली और स्किन में जो रेडनेस होती है, उसको कम करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके कुछ डोसेस होते हैं फ्रेंड्स, तो उस डोज के हिसाब से आपको इसे लेना है। जो भी आपको डॉक्टर लिख कर दे इसकी डोसेज, उस हिसाब से आपको लेना है। भी आपके स्किन में इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया है, उनको ये मार देती है, ख़त्म करती है, और आपकी जो भी स्किन में हो रही है रैश, खुजली, उन सबको कम करती है। सेंसिटिव जगह पर इसे नहीं लगाना है। आँख, कान, नाक, यहाँ पर कहीं पर भी गलती से लग जाए तो आप उसे तुरंत धो लीजिए साफ पानी से, और प्राइवेट पार्ट में भी आपको इसको यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये टोटली एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये टोटली एक्सटर्नल यूज़ है। आप इसे इंटरनल के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। इन्फेक्टेड जगह है, वहाँ पर लगाने के बाद अगर आपको जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप इस ट्यूब को बिल्कुल यूज़ ना करें। इसे लगाने के बाद अगर 20 से 25 दिन तक आपको आपकी स्किन में बिल्कुल भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इसे बंद करके डॉक्टर को बता सकते हैं और फिर से एक बार उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इसके रिव्यूज़ आपको पसंद आ रहे हो और आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी टाइप्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल नया है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। Thank you so much.